क्या नूरजहां सुंबल को घर से निकाल देगी? जानिए एपिसोड नंबर 26 ड्रामा सीरियल नूरजहां में क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 26 ड्रामा सीरियल नूरजहां में आप लोग देखेंगे कि जब बोलेगी माँ अपने शौहर सफ़ीर से कि तुमने अपनी माँ से बात की, जिस पर सफ़ीर जो है वो माँ को बोलेगा किस बारे में, जिस पर आगे से बात करेगी माँ सफ़ीर से कि सुंबल को आज़ाद करके इस घर से निकालने के बारे में, जिस पर कहेगा आगे से सफ़ीर सुंबल को के बारे में माँ से कि अगर इन्होंने यानी कि मेरी माँ नूरजहां ने इनकार कर दिया तो, जिस पर माँ आगे से गुस्से से बोलेगी सफ़ीर से कि अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, जिस पर सफ़ीर कहेगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। उधर आप लोग देखेंगे कि सफ़ीर का रवैया सुंबल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सुंबल को बोलता है ये जो तुम सब कर रही हो ना तुमको घर से निकलवाएगी ये हरकतें। उधर आप लोग देखेंगे कि सुंबल बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगी और जब बैठी होंगी दोनों जो हैं वो उनकी जिठाइयाँ, जी हाँ नूर बानो और दूसरे मुराद के बड़े भाई की बीवी जब बैठी होगी तो तभी जो है वो सुंबल जो है वो अपना जब्त खो बैठेगी और बोलेगी कि मेरा यहाँ पर एक एक पल जो है सांस लेना दुश्वार हो गया है भाभी, ये सब कुछ देखकर मैं सोचती हूँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं निकलना चाहती हूँ यहाँ से, मैं बाहर निकल कर खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। जिस पर बोलेगी उसको जी हाँ मुराद के बड़े भाई की बेगम अम्मा के सामने बैठकर तुम खुद जवाब दोगी तब ही तुम कुछ कर पाओगी। तो तभी जो है वो बोलेगी नूर बानो सुंबल से कि तो बताओ आप आंटी के सामने अपना फैसला रख सकती हैं, जिस पर सुंबल कहेगी कि हाँ मैं रखूँगी। तभी जो है वो सुंबल बहुत अच्छे से तैयार होती है और पहुँच जाती है नूरजहां के सामने और कहेगी कि आज से मैं भी बाहर काम करने के लिए निकलूँगी, मैं घर में इस तरह से नहीं बैठ सकती। जिस पर बोलेगी नूरजहां आगे से सुंबल को देगी धमकी और कहेगी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब वो घर से बेघर होना पड़े उनको, तो तुम तो फिर भी गरीब सी हो तुम कहाँ जाओगी। जिस पर सुंबल डर जाती है और कहती है कि ये मेरा फैसला अटल है। आपको क्या लगता है नाजरीन, क्या नूरजहां सुंबल को घर से निकाल देगी और सफ़ीर क्या दे देगा तलाक सुंबल को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।